दोस्तों देख सकते हैं हम आप पूरे परिवार के साथ आपको यहाँ जो कि सर्कस है सर्कस देखने के लिए भी आए थे। यहाँ 100, 200, 300 रुपये का एंट्री चार्ज है दोस्तों। ये जो सर्कस है दोस्तों आपका बहुत ही बढ़िया सर्कस है और इस सर्कस का देख सकते हैं मुख्य द्वार है जो कि जर्मनी सर्कस इसका नाम है। और इसका शो जो होता है 1 बजे से स्टार्ट होता है, फिर 4 बजे से स्टार्ट होता है, फिर एक लास्ट जो शो है दोस्तों 7 बजे से शुरू होता है। तो दोस्तों हम लोग दोपहर का 4 बजे से हम लोग शाम को गए थे देखने के लिए। ये मुख्य द्वार है देख सकते हैं ये सर्कस का जो कि बहुत ही अच्छा बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ दोनों साइड में आपको ये दिया हुआ है काउंटर जो कि पैसा आपको यहाँ 100 रुपये का भी बुकिंग होता है, 200 का भी होता है, 300 का भी होता है। 3 साल के बच्चे जो ऊपर होंगे उसका पूरा टिकट लगेगा। तो दोस्तों हम लोग 100 रुपये का टिकट लिए और 100 रुपये में टिकट जाकर लेकर और हम लोग अभी अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले अंदर का ये नज़ारे देखिए दोस्तों, मुख्य द्वार है, अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं इधर का भी नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। साइड में देखिए लिखा हुआ जर्मनी सर्कस और यहाँ आपको अगर पैसा अगर नगद नहीं है तो यहाँ से आप आइएगा, पैसा पेमेंट कीजिएगा फोन पे से या आपको एटीएम कार्ड से भी अगर सेव करना होगा तो सेव करवा सकते हैं। तो दोस्तों इधर नज़ारे जो देख रहे हैं ये है आपको सेल्फी पॉइंट। यहाँ आप आकर जर्मनी में सर्कस के पास जो मुख्य द्वार है यहाँ पर बैठ के आप लोग सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ चारों तरफ से नज़ारे दिखा रहे, ऊपर से भी दिखा रहे, कितना अच्छा से सजाया गया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग अंदर की ओर इंटर कर चुके हैं और यहाँ देखिए सर्कस शुरू हो चुका है दोस्तों। जो कि अभी 300 का जो टिकट था दोस्तों सबसे आगे लगता है, 200 का इसके बाद, 100 रुपये का सबसे पीछे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कहे 300 का लीजिए या 100 का लीजिए या 200 का लीजिए, तो देखना है तो एक ही चीज़ देखना है। हाँ ये है कि नज़दीक से जो चीज़ देखाएगा उसका बाद दूसरा है दोस्तों। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से वहाँ आपको जो कर्तव्य दिखा रही है जर्मनी सर्कस का, वो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में ये भी देखिएगा कि कैसे एक डोगी ने दोस्तों मतलब ये जो सर्कस में जो दिखाती है लोग उसको पकड़ा तो उसका पैंट खोलते खोलते बच गया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऊपर का नज़ारा है, इस चारों सबसे एक बार नज़ारा आपको दिखा रहा है। देख सकते हैं चेयर भी बहुत खाली है दोस्तों, क्योंकि सर्कस कहाँ कोई देखने जा रहा है दोस्तों, बहुत ही कम लोग थे। क्योंकि पहले का समय जो था ना दोस्तों सर्कस शुरू में लोग खूब देखने जाते थे, अब धीरे धीरे सर्कस यहाँ जो लगा हुआ था पुराना हो गया, अब बहुत कम आदमी जाता है। तो हम जिस समय गए थे दोस्तों कम से कम हमें लग रहा है 500 आदमी होंगे। और दोस्तों देख सकते हैं ये राउंड करके घूम रहा है, ये जो भी है राउंड में ये आपको घूम रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा से कर्तव्य दिखा रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे लोग खूब खुश थे क्योंकि एक समय था कि दोस्तों हम लोग अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने जाया करते थे। उस समय हम सर्कस देखने गए थे, जिस समय मेरा शादी भी नहीं हुआ था, हम छोटे थे उस समय हम लोग सर्कस देखने गए थे। अभी का समय दोस्तों अभी हम लोग सर्कस देखने गए थे, वो भी हम अपने बेटा लोग को लेकर गए थे, परिवार लोग को लेकर गए थे सर्कस दिखाने के लिए। तो बोले कि चलो सर्कस देखना है तो चलो सब कुछ सर्कस देखते हैं, मज़ा आएगा सर्कस देखने में। तो वही दोस्तों गए थे। देखिए जीवन में हर समय इंजॉय करना चाहिए, सुख दुख आते रहता है जाते रहता है। तो दोस्तों देख सकते ये डॉगी है और डॉगी देखिए रिंग में एक पैर चढ़ा कर दो पैर, अब रिंग में कैसे चल रहा है दोस्तों देख सकते हैं। सामने का जो हाइलोजन लाइट है दोस्तों वो फोकस करने के कारण मेरा थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा था। और जो लेडीज़ है लड़की देख रहे हैं दोस्तों कितना शॉर्ट शॉर्ट कपड़ा पहनी हुई है दोस्तों। और यहाँ देखिए डॉगी को किस तरह से वो अपना कर्तव्य दिखाने के लिए बोल रही है। तो हर कोई अपने अपना स्तर से यहाँ सर्कस में कर्तव्य दिखाता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, हर कोई। जोकर भी दिखाएगा दोस्तों, जो कि छोटे छोटे जोकर है वो भी दिखाएगा। तो दोस्तों देखिएगा डॉगी कैसे साइकिल चलाता है दोस्तों सर्कस में, बड़ी मज़ा आएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सर्कस में डॉगी को देखिए कैसे फांग, वो रिंग में फांग रहा है दोस्तों, गोल गोल रिंग है देख रहे हैं ना कैसे फांग रहा है, उछल उछल कर ये एक रिंग से दूसरे रिंग, दूसरे रिंग से तीसरे रिंग में ये पार हो रहा है। तो जो एक लंबा सा एक आदमी खड़ा है दोस्तों ये बता रहा है,
कि इसमें फांग के दिखा। देखिए दोस्तों कैसे फांग रहा है, मतलब ये डॉगी को भी पता है कि हमको क्या कर्तव्य दिखाना है। इसी तरह हर आदमी को कुछ ना कुछ कर्तव्य दिखाकर अपना काम को आगे की ओर बढ़ाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं डॉगी का कर्तव्य पूरा हो गया, अब अपन नेक्स्ट स्टेप आ रहा है दोस्तों अभी कर्तव्य दिखाने के लिए। देखिएगा कौन आता है, अब देखिएगा दोस्तों बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा डॉगी अब चलाएगा ये छोटा सा कार, और इसके साथ जो हाई वोल्टेज वाली मॉडल है दोस्तों देख सकते हैं पूरा मिनी स्कॉट पेन का दोस्तों मज़ा आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं एकदम ब्यूटीफुल सुंदर लग रही है दोस्तों। अब कैसे दो गो डॉगी, देखिए एक डॉगी ड्राइव कर रहा है, पिछला डॉगी जो है आपको ठेल रहा है, एक डॉगी के साथ जो एकदम खूबसूरत मैडम है जो भी अपना स्टाइल में एकदम लगे हुई है, एकदम मिनी स्कॉट पेन का पूरा अच्छा से एकदम पूरा मस्त एकदम डॉगी को एकदम आगे की ओर बढ़वा रही है कि चलो कर्तव्य दिखाओ। यहाँ लोग बैठे हुए कर्तव्य देखने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा था दोस्तों। बच्चे लोग बहुत उत्साहित थे दोस्तों डॉगी को देखकर, और डॉगी जब कार चला रहा था बच्चे लोग खुश थे दोस्तों। देख सकते हैं सामने छोटे छोटे बच्चे लोग भी अपने माता पिता के साथ है। सामने का टिकट जो था दोस्तों 300 रुपया था, तो 300 रुपया थोड़ा सा हम आगे नहीं गए क्योंकि दोस्तों हम लोग थे थोड़ा ज़्यादा, मान के चलिए 300 का अगर 10 गो रहेगा तो 3000 हो जाएगा। हम लोग 10 गो से ज़्यादा थे दोस्तों, इसलिए हम नहीं जा पाए। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये देखिए वाह, वाकई में मानना पड़ेगा दोस्तों कर्तव्य जो दिखाता है बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। और देख सकते हैं कितना हाथ से अगर छूट जाएगा तो नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम नीचे में एकदम अंडा पुटिया निकल जाएगा, इतना ऊपर उछालता है दोस्तों और कर्तव्य निकालता है। ऊपर वाला का आशीर्वाद रहता है, इन लोग स्वस्थ रहता है, खुश रहता है। इधर देख सकते हैं दोस्तों छोटे छोटे साइकिल, मतलब जो इंसान जो छोटा साइकिल नहीं चलेगा वो सबसे छोटा साइकिल चला रही है। पीछे देख सकते हैं लेडीज है, आगे देख सकते हैं एक लड़का है जो आगे क्लियर ब्लैक कलर का जो पहना हुआ, बीच में जो है जो दोस्तों सर्कस में जो आपको ये जो रहता है जोकड़ जोकड़ बोला जाता है, वो जोकड़ है। और देख रहे ना कितना छोटा छोटा राउंडिंग, मतलब गोल गोल राउंडिंग, मतलब साइकिल हाथ में देख रहे हैं साइकिल, कितना छोटा हाथ में साइकिल लिया। ये लोग भी कर्तव्य दिखा दिया और अपने अंदर की ओर जाएगा। फिर देखिए अब बड़ा सा ये आया जोकर, अब जोकर का कर्तव्य देखिएगा दोस्तों क्या कर्तव्य दिखाता। जब जोकर एंट्री करता है ना दोस्तों तो बच्चे भी इतना उत्साहित हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं दोस्तों, क्या बोले, बहुत ही मजा आ रहा था दोस्तों। अब देखिएगा जोकर क्या करेगा, जोकर बोल रहा है हे क्या कर रहा तुम, तो साइकिल तोड़ दिया, मतलब दूसरा जोकर साइकिल टूट गया, इसका चक्का उक्का सब आगे पीछे सब निकाल दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं बड़ी मज़ा आ रहा था जोकर का देखकर, साइकिल का मतलब नट बोल सब टूट ताड़ कर मतलब हटा दिया है, फिर ज्वाइंट हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं अब सबको उल्टा टाइट कर दिया। फिर देखिएगा दोस्तों सीट नीचे है दोस्तों, और देख रहे हैं ना ध्यान से देखिए सीट नीचे है। अभी कैसे चला गया, जब चला गया तो इसको देखिएगा अंदर घुस जाएगा, कहेगा वाओ सीट उल्टा करके भी दोस्तों देखिए कैसे चला रहा है, देख रहे हैं ना, मतलब पैंडल जो है ऊपर हो गया सीट के जगह पर, और सीट जो है पैंडल के जगह पर हो गया है, तब पर भी ये जोकर जो है साइकिल चला कर दिखा दे रहा है। ये होता है कर्तव्य, इसका भी काम हो गया, वो भी चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों देखिएगा आएगा क्या, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों ये रिंग, और रिंग में क्या फंक्शन होगा, क्या स्टार्टिंग होगा, वो सब आपको हम दिखाएँगे और देखते जाएगा दोस्तों क्या हो रहा है रिंग में, देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। जोकर का कर्तव्य खत्म हो गया। इधर देखिए एक लेडीज एक जेंट्स है, इसमें आपको मौत का कुआ बोला जाता है, चारों तरफ से ये बंद है दोस्तों, लोहा का रड से बना हुआ है दोस्तों। ये एक तरफ से आपको मतलब अंडाकार में तो पूरा राउंड में गोल में बना हुआ, इसी में आपको पूरा गाड़ी चलाएगा दोस्तों। देख सकते हैं कितना अच्छा लगेगा दोस्तों। अब हम उसको थोड़ा सा नज़दीक जाकर दिखाते हैं, साइड से दिखाते हैं आपको, रुकिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी गाड़ी स्टार्ट करेगा, इसके बाद दोस्तों देखिएगा कैसे चलाएगा। सब कोई अब नज़दीक आ गया दोस्तों, इसमें देखिए एकदम गाड़ी स्टार्ट हो गया ना दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। हन 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 स्पीड में गाड़ी चला रहा था दोस्तों, यही मौत का कुआं में दोनों गाड़ी चलाते हैं, बैलेंसिंग इतना अच्छा ना था कि दोस्तों क्या बोले, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है हम लोग से नहीं चलेगा, लेकिन इन लोग को 365 दिन यही काम है, इसलिए इन लोग ये काम करते करते इन लोग का हैबिट हो गया और आदत हो गया दोस्तों। देख सकते हैं कितना मज़े से ये लोग ये बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, एक गोल गोल मतलब ये आकार में जो बना हुआ है उसमें। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं सीट कितना खाली है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही कम लोग आए हुए थे, और सर्कस देखने के तपर भी सर्कस दिखाने वाला दिखा रहा था, और हम लोग भी देख रहे थे दोस्तों। इधर देख सकते हैं मेरा प्यारे प्यारा बच्चा लोग है दोस्तों, ऊपर में देख रहे थे कैसे सर्कस में, अगर थोड़ा सा अगर मिस होगा दोस्तों तो इसमें बहुत ही रिक्स है दोस्तों चलाने में, इसमें नया नया बंदा कोई नहीं चला पाएगा, जो भी चलाएगा मतलब इसमें
प्रैक्टिकल जो इसको पता होगा दोस्तों, जिसको 100% नॉलेज होगा इसके बारे में, वही चलाएगा। तो यही सब है दोस्तों। अब आगे की ओर देखिए दोस्तों, ये नाच हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी करतब अभी दिखाएगी। दो महिलाएं लोग हैं अपना, मतलब जर्मनी देख रहे हैं ना, स्टाइलिश कपड़ा पहन कर दोस्तों नाच रही है दोस्तों, एकदम ठुमक लगा लगा कर दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा क्या क्या होने वाला है दोस्तों, और बस स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। देख सकते हैं जूम करके दिखा रहे हैं, इन लोग अपना करतब दिखा रहे हैं। करतब दिखाने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा दोस्तों, देख सकते हैं। और इन लोग जो डांस कर रहे थे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। दोस्तों इधर देख सकते हो, लास्ट स्टेज में इसका काम है दोस्तों। चारों तरफ से देखिएगा कि ये मतलब ऊपर से कूदेगा, लोग सब बांध रहा है दोस्तों। बांधने के बाद देखिएगा दोस्तों कैसे ऊपर से कूदेगा।